हेलो एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ये क्या होता है, लेट अस सी। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था दैट जब भी पब्लिक को ऑफर करती है कंपनी कोई भी एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद पब्लिक हैज टू अप्लाई फॉर दोस शेयर्स, इजंट इट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू कर दिए, ओके, कंपनी हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को अगर उस कंपनी में शेयर चाहिए तो पब्लिक हैज टू अप्लाई। ये हमने डिटेल में देख लिया है पिछले लेक्चर्स में कि पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, और उसके बाद जब वो एप्लीकेशन मिल जाता है, दैट टाइम द कंपनी अलॉट्स द शेयर्स, करेक्ट? ये प्रोसीजर होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, ये कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू कर दिए और पब्लिक से उन्हें सिर्फ 9,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मिला, ओके, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक इज ओनली 9,000 शेयर्स, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं, दिस इश्यू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब्ड। द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जो भी इशू किया था कंपनी ने, इशू किया था 10,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक से डिमांड कितने शेयर्स का आया, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स किए, सिर्फ 9,000, इसीलिए हम इसे बोलते हैं दैट द इशू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। और इसका ऑपोजिट अगर हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स का इशू निकाला लेकिन कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है कंपनी में, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी को 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिल गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ 20,000 शेयर्स। अभी कंपनी के अगर 10,000 शेयर है और 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दैट द इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे हम? इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड, गेटिंग इट? अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जो इशू है उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जो इशू है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, गेटिंग इट? अभी ये दोनों सिनेरियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर इशू अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ तो, जैसे ये वाले सिनेरियो में 10,000 शेयर्स तो इशू कर दिए लेकिन 9,000 शेयर्स का ही अगर एप्लीकेशन मिलता है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे जर्नल एंट्रीज क्या होंगे वो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम हियर फर्स्ट। देखिए ये आपके सामने है, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, ओके? लेट अस रीड द प्रॉब्लम। एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोस। क्या है, देखो, एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे ₹50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30, मतलब ये देखिए ये टोटल हो जाता है 100, ओके? Applications were received for 9,000 shares. Total 10,000 shares का issue किया, लेकिन application 9,000 का मिल सकता है, right? Because public को ऐसे लगा होगा कि बाबा, we are not sure whether we should invest money in this company or not. तो ऐसे scenario में public का subscription कम हो सकता है. So this has been under subscribed, right? ये under subscription है. तो ऐसे case में हमें अभी यहाँ पे क्या बोला है, देखो, All the money on allotment and call was duly received. सब पैसा मिल गया, लेकिन सिर्फ इसमें इतना ही हुआ that जो shares है वो कम के subscribe हो गए, 10,000 issue किए थे, 9,000 के subscribe हो गए। तो अभी मुझे बताइए, अगर 9,000 share subscribe हुए हैं, तो जब application के time पे कितना पैसा मिला होगा कंपनी को? कंपनी को सिर्फ 9,000 shares का application मिला, right? So 9,000 into एप्लीकेशन पे है ₹20, ओके, सो 9,000 इंटू 20, 9 2 18, 1,80,000, दिस इज द मनी दैट हैज बीन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है? यहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों, 10,000 शेयर्स इश्यू जरूर हुए हैं, लेकिन 10,000 के लिए हमें एप्लीकेशन नहीं मिला है। तो सबसे पहली गलती हमारी यहाँ क्या होती है, हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के वक्त 10,000 into 20 कर देते हैं, which will be incorrect.
जितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन है उतना ही एप्लीकेशन मिलेगा, ऑब्वियस है। तो 9000 शेयर्स इनटू 20 दैट गिव्स अस 1,80,000, इतना पैसा बैंक में मिला है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल, ठीक है, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। एंड देन फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट यहां पे हमने देखिए निकाली है 1,80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन के वक्त हमें इतना पैसा मिल गया। यहां पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। ऑलराइट, अभी ये जो एप्लीकेशन मनी है ये हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, दिस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। सबसे फर्स्ट पार्ट में मैंने ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, याद करिए। सो यहां पे अभी हमारी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस पास दैट एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये नरेशन आप प्रॉपरली लिख लीजिए। ऑलराइट, सेकंड क्या है, देखो अलॉटमेंट है ₹50। नाउ अगेन अलॉटमेंट भी 9000 शेयर्स, तो 9000 शेयर्स पे ₹50 अलॉटमेंट, 9 × 5 = 45 कितना हो जाता है 4,50,000। अभी देखिए 4,50,000 पे पहले पैसा मिलेगा या 4,50,000 पहले ड्यू होंगे, याद करिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑलवेज अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, पहले ड्यू की एंट्री हमें पास करनी होती है, बिकॉज पहले कंपनी से इंटीमेशन मिलेगा कि बाबा इतना पैसा ड्यू है, उसके बाद ही कंपनी को पेमेंट मिलेगा, इजंट इट। तो पहले ड्यू की एंट्री हम पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा है तो ये पहले तो हमें अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करनी है 4,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने 4,50,000 रुपीज डाल दिए यहां पे। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट हाउ मच ₹50 ईच। ओके, इस तरह से आपको प्रॉपर नरेशन लिखना है। ओके, अभी क्या होगा, ये ड्यू के बाद वो पैसा हमें मिलने वाला है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो लेट अस राइट दिस एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट मत करिए, प्रॉपर नरेशन लिख लीजिए। ऑलराइट, ओके, अभी लास्ट क्या है, देखो
₹30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल किया है, ज्यादा कॉल्स किए नहीं है उन्होंने। सो 9000 शेयर्स पे ₹30 पर शेयर, 9 × 3 = 27, तो कितना हो जाता है 2,70,000। तो पहले तो ड्यू की एंट्री हम कर देंगे, तो चलो कितना हो जाता है ड्यू की एंट्री में, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000, करेक्ट। नरेशन बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट ₹30 ईच। ओके, गेटिंग इट? ऑल राइट, अभी क्या हो गया, ये ड्यू होने के बाद ये पैसा मिलेगा, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे लास्ट हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब भी हमारा लास्ट कॉल होता है बच्चों, हमें याद से फाइनल कॉल ये वर्ड वहां पे एड करना है, ठीक है। अगर सेकेंड कॉल है तो हमें बोलना पड़ेगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर टू कॉल्स किए हैं तो फर्स्ट कॉल में वी विल जस्ट राइट फर्स्ट कॉल, और सेकेंड कॉल में वी विल राइट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर थ्री कॉल्स किए हैं तो हम फर्स्ट टू कॉल्स में वी विल जस्ट राइट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, बट फॉर द लास्ट कॉल वी हैव टू राइट थर्ड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहां पे मेरा नरेशन आएगा बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गेटिंग इट? ये क्लियरली समझ गया। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन मिला है उतने शेयर से हम सारे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। इशू कितने शेयर का हुआ दैट विल नॉट मैटर एनी मोर, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था दैट फॉर एग्जाम्पल ये जो 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स इशू तो हो गए लेकिन एप्लीकेशंस ज्यादा के लिए मिले हैं, एप्लीकेशंस मिल गए 20,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं। कंपनी क्या कर सकती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कंपनी सोच सकती है कि बाबा जो सबसे पहले मुझे 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको मैं शेयर्स दे दूंगी, और बाकी जो 10,000 बचे हैं शेयर्स, ओके, सी दिस 20,000 वी हैव डिवाइडेड इनटू 10 + 10, ये जो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है मैं इन्हें आउटराइटली रिजेक्ट कर दूंगी। तो कंपनी विल डिसाइड व्हाट टू डू। अगर कंपनी ने आउटराइट रिजेक्शन कर दिया तो जो 10,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है वो पैसा उसे वापस लौटाना पड़ेगा। गेटिंग इट? देखिए ये सिनेरियो में क्या होगा, अगर 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है और ₹2 पर शेयर अगर पैसा कंपनी को मिलने वाला है तो टोटल पैसा कितना मिला 40,000, करेक्ट। लेकिन कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर ही इशू किए हैं तो कंपनी 10,000 शेयर ही दे सकती है, एक्स्ट्रा 10,000 जो एप्लीकेशन पैसा मिला है वो कंपनी लौटा देगी। कंपनी क्या करेगी, बाबा आपके पैसे रख लो, हमारा अभी यहाँ पे अलॉटमेंट खत्म हो गया, तो उसे हम बोलते हैं कंपनी हैज रिजेक्टेड दैट अलॉटमेंट, ठीक है। या फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऐसे सोचेगी कि बाबा ऐसे नहीं करते हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किया है सबको हम बराबर हिस्सा देंगे, सबको हम कुछ तो कुछ देंगे, उसे हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, ठीक है। ये प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसी केस में देख लो, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी के पास कितने शेयर्स है, कंपनी के पास तो 10,000 शेयर्स ही इशूड है, तो अभी कंपनी क्या करेगी,
कंपनी सोचेगी कि बाबा जितना भी मुझे एप्लीकेशन किसी से मिला है मैं उसे प्रपोर्शनेटली शेयर्स दूंगा। तो शेयर्स कैसे हो गए, जो 20,000 शेयर्स के लिए अगर टोटल एप्लीकेशन मिला है तो कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर है देने के लिए। तो इनका रेशो निकालते हम कितना हो जाता है, इसका रेशो हो जाएगा 2:1, करेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कंपनी को किसी ने अप्लाई किया है 2 शेयर्स के लिए तो कंपनी उसे अलॉट 1 शेयर करेगी, गेटिंग इट। आधा मतलब अगर किसी ने 2 शेयर्स मांगे तो कंपनी उसे 1 शेयर देगी, अगर किसी ने 10 शेयर्स मांगे तो कंपनी कितने शेयर्स देगी, 5 शेयर। किसी ने 100 शेयर मांगे होंगे, अप्लाई किया होगा 100 शेयर्स के लिए तो कंपनी उसे कितने शेयर्स देगी, 50 शेयर्स, ओके, गेटिंग इट। ये प्रपोर्शन कंपनी निकालेगी, वो कैसे कलेक्ट करेगी प्रपोर्शन, जितना भी उसे टोटल एप्लीकेशन मिला है वो डिवाइड कर देगी जितने भी इशू किए हैं शेयर से, एंड देन दिस इज नोन एज प्रोरेटा अलॉटमेंट, ओके। और थर्ड हो जाता है जहां पे मिक्सचर ऑफ बोथ दिस टू होता है, ठीक है, कोई शेयर्स को रिजेक्शन मिलेगा और किसी किसी शेयर्स के लिए प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा, तो वो एक थर्ड हिस्सा हो जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर सिनेरियो में एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अभी हमें देखना है फर्स्ट सिनेरियो जहां पे हमें रिजेक्ट करना है जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला है उसे, तो वो कैसे करते हैं, लेट अस सी, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम में से, ओके। सो लेट अस रीड दैट प्रॉब्लम। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोज। कैसा है देखो, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। एक बार ये टोटल कर लो कितना है, ₹10, राइट। सो दैट मींस वी आर अश्योर्ड दैट दिस इज एट पार, ओके, मतलब यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, ओके। आगे क्या दिया है देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब अगेन व्हाट इज दिस, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट, इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। The directors decided to reject excess applications and refunded the application money on that. Company received all the money as journal entries in the books of the company. ठीक है, तो देखिए excess application का हमें rejection करना है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए excess application कितना है, okay, यहाँ पे मुझे 1,20,000 shares के लिए application money मिला, getting it? लेकिन मुझे इशू कितना करना है, मुझे इशू सिर्फ 1,00,000 शेयर्स करने हैं, राइट, दिस इज योर गिवन योर, राइट, 1,00,000 शेयर्स। तो एक्सेस कितना हो गया, 1,20,000 माइनस 1,00,000, मतलब 20,000 शेयर्स के लिए मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मिल गया है, करेक्ट। अभी मुझे देखना है कि एक्चुअली एप्लीकेशन मनी कितना ज्यादा मिला है मुझे, 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव दिस ₹2 पर शेयर। तो पहले तो मुझे 1,20,000 इनटू 2 करना पड़ेगा, दैट टाइम आई विल गेट द टोटल एप्लीकेशन मनी, करेक्ट। टोटल एप्लीकेशन मनी मेरा 2,40,000 हो गया, राइट, दिस इज द टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस। ये टोटल मनी मिला है, एक्सेस पैसा हमने रिफंड कर दिया, तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है एक्सेस उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, मतलब यहां पे मेरा एक्सेस कितना हो जाएगा, 20,000 एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 2, दैट इज 40,000। तो टोटल 2,00,000 ही मेरा एप्लीकेशन मनी होना चाहिए था, करेक्ट। 1,00,000 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर, 2,00,000 रुपीज, लेकिन ये जो मुझे 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है इसे मुझे रिफंड करना पड़ेगा, गेटिंग इट। आई डोंट वांट टू कीप दैट मनी, आई एम गोइंग टू रिफंड इट बिकॉज मैंने वो रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशंस। इज दिस क्लियर। तो ये 40,000 रुपीज अभी कंपनी वापस देने वाली है, जिन्होंने भी अप्लाई किया, जिनको रिजेक्शन देगी कंपनी उन्हें उतना पैसा वापस दे देगी, गेटिंग इट, ओके। सो नाउ लेट अस पास दीज एंट्रीज वन बाय वन। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी सबसे पहले। तो पहली एंट्री मेरी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
कितना पैसा मिला है देखो टोटल, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया 2,40,000, इतना पैसा मिला। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000, और ये पैसा क्यों मिला? एप्लीकेशन के वजह से, राइट? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, राइट? और यहां पे मैं लिख दूंगी बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर्स? 1,20,000 शेयर्स एट रुपीज 2 ईच, राइट? ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले जो रिजेक्शन करना है वो देखते हैं। कितना रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 20,000 शेयर्स को रिजेक्शन मिल रहा है, तो रिफंड मनी हमने यहाँ पे निकाला 40,000 रिफंड हुआ, इसका मतलब कंपनी के पास से वो पैसा बाहर गया, तो बैंक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और वो पैसा मिला क्यों था? वो पैसा मिला था एप्लीकेशन के लिए, राइट? यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, तो अभी हम एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज उतना पैसा हमारे कंपनी में से बाहर जा रहा है, राइट? तो आर एंट्री हियर विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में से इतना पैसा बाहर गया 40,000, राइट? और हमारे यहां पे नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशंस या बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट रुपीज 2 पर शेयर रिफंडेड। समझ में आ गया? ये हमने रिफंड कर दिया, और जो 1,00,000 शेयर्स है उसपे जो मुझे एप्लीकेशन मिला है दैट आई हैव टू एक्सेप्ट, तो इसीलिए मैं वो जो पैसा मिला है दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रांसफर टू माय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मेरी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 2,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000। और अब नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गेटिंग इट? हमने दो हिस्सों में बांट दिया ये टोटल एप्लीकेशन मनी। देखिए यहां पे एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते। देखो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को 2,40,000 से क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, अभी यहाँ पे हमने 40,000 से डेबिट किया और 2,00,000 से डेबिट कर दिया, तो हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज। ओके, और इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 से दिखेगा बिकॉज 1,00,000 शेयर्स हमने इश्यू किए थे और रिफंड हमारा 40,000 हो गया। समझ में आ गया टोटल ये सिनेरियो? समझ में आ गया क्या किया? ऑल राइट, वेरी गुड। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, कमेंट जरूर कर दीजिए, इट मेक्स माई डे। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, देखो अभी आगे क्या है। 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉट होंगे शेयर्स तो 4 रुपीज पहले तो हमें ड्यू की एंट्री पास करनी होगी। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल बच्चों, अभी जो भी एप्लीकेशन मनी मिला था वो हमने रिफंड कर दिया है एक्सेस। अभी आगे के जो भी हम एंट्रीज पास करेंगे दोज एंट्रीज आर गोइंग टू बी ओनली फॉर 1,00,000 शेयर्स। अभी ये वाला हमारा पोर्शन खत्म हो गया, तो 1,00,000 शेयर्स पे अभी हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है, ना कि 1,20,000 पे। गेटिंग इट? बिकॉज वो ओवर सब्सक्राइब थे, उन्हें हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, अभी वो हमारा क्लोज हो गया अकाउंट। ठीक है, तो 1,00,000 शेयर्स
पे हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है पहले, तो 4 रुपीज पर शेयर दैट इज 4 लाख। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे, हमारी एंट्री यहां पे आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख एंड आपका नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 4 पर शेयर। ओके और पहले अभी ड्यू की एंट्री पास की, अभी पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके ऑलराइट, अभी आगे फर्स्ट कॉल पे हमारी एंट्री क्या होगी, नाउ वी नो दीज एंट्रीज बाय हार्ट। फर्स्ट कॉल पे अगेन पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख। सो 2 लाख पे पहले ड्यू की एंट्री पास कर लेते हैं, क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 2 पर शेयर। ठीक है, ओके और अभी ये पैसा मिल जाएगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके यहां पे लिख दो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दिस इज 2 लाख। ओके और लास्ट कॉल पे कितना है पैसा, देखो 2 रुपीज ऑन लास्ट कॉल, तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख। तो फाइनल कॉल की हमारी पहले ड्यू की एंट्री आ जाएगी, इक्विटी शेयर, देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दिस इज हाउ वी राइट, ओके सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ओके नरेशन बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ एट रुपीज 2 पर शेयर। ऑलराइट और जब ये पैसा मिल जाएगा तब हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ऑलराइट आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सब अभी कैसे करेंगे हम लोग, जब भी हमें एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिलेंगे और जो भी एक्सेस है अगर हमने वो रिजेक्ट किया तो एंट्री कैसे पास होगी, समझ में आ गया डिटेल में एकदम अच्छी से। ओके अभी हम क्या करेंगे बच्चों,
यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोरेटा वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपको आसानी हो जाएगी प्रोरेटा समझना, ठीक है। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।